Hey guys, namaste, salam, sat sri akal, kim chadab. I'm gonna talk about in this video which card is magical for us. हाँ dude, बहुत सारे ऐसे cards हैं जिसमें ना यार event items में अंधाधुन फंस रहे हैं. ये देखो, इससे भी ज़्यादा मुझे event items आगे चल के फंसे हुए हैं. भाई वो कैसे आ रहे थे, कौन कौन से कार्ड है, मुझे सब पता हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं सर्च में भी लग जाता हूँ. मैं अपने इवेंट आइटम्स को उतना ज़्यादा चिंता नहीं करता इवेंट आइटम्स कलेक्ट करने की. मैं चाहता था कि हर एक कार्ड, सिंगल कार्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं उसी पर. भाई ये मैजिकल कार्ड्स, मैं इसलिए मैजिकल कार्ड्स कह रहा हूँ क्योंकि इस इवेंट आइटम बहुत सारे आ रहे हैं, दैट्स वाई. तो भाई एंटी ब्लास्ट इन सब पे मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं वीडियो के एंड में तुम लोगों को बता दूंगा कि सबसे बेस्ट कार्ड्स कौन से हो सकते हैं जिसमें तुम्हें सच में मतलब हर एक अकाउंट में वो सारे कार्ड्स में आते हैं इवेंट आइटम्स. तो बस तुमको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा. सबका क्वेश्चन ये रहता है कि यार ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग कार्ड्स भी आएंगे. तो भाई थोड़ा होता है, मतलब कोई कोई कार्ड ऐसा होता है, लाइक उसको मैं इसलिए मैजिकल कहता हूँ क्योंकि उस पर अक्सर सारे के सारे अकाउंट्स में आते हैं, क्योंकि मैंने सारे अकाउंट्स में ये चेक भी किया हुआ है और बहुत सारे अपने एनर्जी उस पर खर्च किए हैं. और भाई अच्छा खासा मुझे इवेंट भी मिला है इस बार के इवेंट में. डूड अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा कि ब्लास्टोइज एंटी, भाई एंटी ने भाई बवाल मचा कर रखा हो. सनमून में कैप्सूल पॉइंट्स में मुझे ये लिटिल गारंटी ना मिला. तुम लोगों को कितना मतलब कौन कौन सा पोकेमॉन मिला लिटिल वाला बताना जरूर कमेंट में. तो भाई जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि यार अलग अलग कार्ड्स में हमको जाना पड़ेगा. तो भाई गेंगार, एंटी, ब्लास्टोइज ये तीन कार्ड अब तक आ चुके हैं जो कि भाई सच में मैजिकल है. मतलब अभी तो गेंगार इस बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन एंटी और ब्लास्टोइज ना ऑसम परफॉर्म कर रहे हैं. और उसके बाद आता है पिजियोट. डूड ये अब फोर्थ वाला कार्ड आ गया, नहीं इसको थर्ड में काउंट करेंगे क्योंकि गेंगार इस बार उतना अच्छा काउंट मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है. तो तीन में काउंट करते हैं हम लोग, मतलब तीन कार्ड्स में मैजिकल कार्ड्स में आता है ये पिजियोट, थर्ड नंबर पे आता है. फर्स्ट में ब्लास्टोइज एंटी, सेकंड एंड थर्ड नंबर इज पिजियोट. और अगर आगे देखते हैं कि मतलब कोई ऐसा कार्ड है जिसपे और भी अच्छे से मतलब इवेंट आइटम्स आ रहे हैं तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा. फिलहाल तो थर्ड वाला हमने मिल गया हुआ, फोर्थ मैजिकल कार्ड अब तक नहीं मिला हुआ. डूड ये देख रहे हो मैं दूसरे अकाउंट का ये दिखा रहा हूँ, मतलब दूसरे अकाउंट्स का एंटी, ब्लास्टोइज, पिजियोट पे मैंने जब रेड किया हुआ था ना तो सच में बहुत सारे इवेंट आइटम्स मुझे मिल रहे थे. डूड नंबर वन मैजिकल कार्ड्स में मैं अगर कुछ कहूँगा ना तो ये एंटी हो सकता है सबसे बेस्ट. हाँ सिंगल कार्ड्स पे तुम लोग को रेड करना पड़ेगा, अब लालच के चक्कर में मत जाना. मतलब तीन किन कार्ड्स वाले रेड्स पे वहाँ नहीं फंस रहे, मैंने देख लिया हुआ है. मतलब फंस रहे होंगे एक दो इसके ऐसा नहीं आ रहा यार, मतलब हर एक रेड में ना दो तीन चार समथिंग आ ही जा रहा है. मतलब बहुत ही सही चीज़ है, देखो सिंगल पे भी आ गया एंटी के, मतलब यार इसने भौकाल मचा कर रखा हुआ है ना. तो एंटी पे ही मैं सबसे ज़्यादा रेड कर रहा था अलग अलग अकाउंट्स पे जाकर, ताकि ये मैं समझ सकूँ कि यार सच में ये मैजिकल कार्ड है हमारा या फिर मतलब एक ही अकाउंट पे. तो अब मैं क्या कर रहा था ना, चेकिंग कर रहा था कि यार किस कार्ड पे शायद आ भी सकता है. तो पहले मैंने एंटी पे चेक किया तो इस दूसरे अकाउंट में नहीं आया, तो कोई बात नहीं सेकंड पे आ जाता है. तो मैं सुईकून पे चेक करता हूँ तो इस पे भी नहीं आता, तो थर्ड वाले में सेलमेंस पे करता हूँ शायद इसमें आ जाए. हाँ सेलमेंस कार्ड थोड़ा मोरा सही है, तुम चाहो तो फोर्थ में इसको काउंट कर सकते हो सेलमेंस कार्ड को, ठीक है. फोर्थ मैजिकल कार्ड इज सेलमेंस. ओके फिफ्थ मैजिकल कार्ड को खोजते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यार हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उतने ज़्यादा इवेंट आइटम्स मिलने के चांसेस होते हैं, नहीं तो हम लोग सारा एनर्जी एक ही पे ख़त्म कर देते हैं. गलती से मैंने मेगा सिंगल कार्ड पे जो कर दिया ना, मुझे नहीं लगता मेगा कार्ड्स पे ज़्यादा कुछ मिलते हैं इवेंट आइटम्स. तुम्हारा क्या कहना है बताना ज़रूर. नेक्स्ट मैं सीजर पे करता हूं. भाई सीजर कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार मतलब उतना कुछ खास इवेंट आइटम्स इसके ज़रिए नहीं मिले. बट यहाँ पे देखा जाए तो इस कार्ड पे ना यार बहुत ही अच्छी इवेंट आइटम्स मुझे मिल रहे थे तीन, और इसके बाद भी मैंने जब रेड किया था ना, मतलब यहाँ तो मैं चेक कर रहा हूँ तो एक कार्ड पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता मैं एनर्जी, ठीक है. मतलब अब इवेंट आइटम्स मैं कलेक्ट नहीं कर सकता तुम लोग की वजह से, मैं सारे कार्ड को चेक कर रहा हूँ, दैट्स वाई एक ही कार्ड पे मैं डबल रेड कर नहीं सकता. तो हाउंडोंग को देख रहे हो, ये भी मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है. डूड बताना मैं भूल गया कि गिरेडोज अपना फिफ्थ मैजिकल कार्ड है, ठीक है. तो फिफ्थ मैजिकल कार्ड में वो आता है और ग्रेडिवियर, भाई ये मैं नहीं कहूँगा. हाँ दो तुम लोग देख रहे हो कि दो इवेंट आइटम्स आए हैं इस पे, बट मैंने जब दूसरे अकाउंट्स वगैरह में चेक किया ना तो नहीं आए थे वो ग्रेडिवियर कार्ड्स पे, तो इसको काउंट नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो इस पे करते हैं हम लोग मतलब स्लेकिंग के ऊपर, ये भी सही नहीं है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट पे करते हैं एग्रॉन. ओके एग्रॉन पे चेक करने पे सिंगल बचे हुए हैं, देखते हैं आ भी जाता है कि नहीं. आ जाता है तो भाई ये सही कार्ड होने वाला, नहीं तो यार है, नहीं तो भाई यहाँ पे जितने भी, चलो यार एग्रॉन पे एक आ गया, मतलब इसको मैं प्रिफर नहीं करने वाला तुम लोग को कि हाँ भाई इस पर रीड करो. मैं दूसरे अकाउंट पर जाता हूँ, बाकी के जितने कार्ड्स बचे हैं ना सिंगल वाले उस पर रीड करता हूँ, ताकि तुम लोग को अच्छे से बता सकूँ कि हाँ भाई ये कार्ड सब सही है. पाँच कार्ड हमें मिले हैं मैजिकल कार्ड्स, और मेलियोटिक
मुझे नहीं लगता मतलब उतना कुछ सही है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें, तुम चाहो तो कर सकते हो रेड। हाँ भाई, यहाँ पे एब्जॉल इस बार के मतलब इवेंट में ना एब्जॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने 2-3 अकाउंट में देखा हुआ अभी, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 6th मैजिकल कार्ड में एब्जॉल आता है, और स्टीलेक्स का एक आ गया गलती से मुझे लगता है, इस पे नहीं आता यार, मतलब बिल्कुल अनलकी कार्ड है ये। अच्छा यहाँ पे रोडेक्टाइल पे भी नहीं आया था, चलो ठीक है, ये यहाँ पे तो सारा खत्म हो चुका है। तो भाई 5 कार्ड्स नहीं, 6 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, वो कौन कौन से पता ही है तुम लोगों को। तो अब जाओ और रीड करो, और इवेंट्स भाई बहुत सारे कलेक्ट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, थैंक यू।